का कोई सुनवाई नहीं है, तुमको जो करना है में क्या कहा जाता है, कोई सुनवाई नहीं। थाना में थाना गया वो लोग के द्वार पर, ये लोग कह रहा है कि हम किसी के बाद कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। तुम भी कहता है कि नहीं रखेंगे, तुमको जो करना है जितना पावर लगाना है लगा ले। मायके वाले हमारे गरीब है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जनता दरबार में पटना चलो, यहाँ से आपको सुरक्षा मिलेगा, यहाँ से आपको सुनवाई होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार आई है, यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कह रहा है लोग की ऑनलाइन करने के लिए। आपने ऑनलाइन नहीं करवाया था? नहीं, अभी नहीं करवाए हैं। अब जहाँ सूचना मिलेगा वहाँ करवाएंगे। सोमवार है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से जनता दरबार लग गया है। बता दें आपको कि तमाम फरियादी जो हैं बिहार के अनेक जिले से आने लगे हैं, तमाम अनेक मुद्दों को लेकर और फरियादी आई है, महिला फरियादी हैं। क्या कुछ मामला इन्हीं से जानेंगे, क्या नाम है? हाँ, इसी कारण से हम आए हैं कि हमारा नाम देवांती देवी, पति क्या मामला क्या है? यही मामला है कि हम लोग का 3 साल से झगड़ा चल रहा है हमारा पति का, हमको कहीं इलाज नहीं करवाए हैं, हमसे बिना बुझा दीजात का शादी सास करवा दी है। और इसके बावजूद हम 3 बार 4 बार घर में गए, हमको मार पीट के भगा दिया है लोग। और वहाँ महिला थाना में भी हम गए थे और फिर यूपी थाना में गए हैं। बोल रहा है कि थाना क्या करेगा, कोई सुनवाई नहीं है, तुमको जो करना है। थाना में क्या कहा जाता है, कोई सुनवाई नहीं? नहीं, थाना में थाना गया वो लोग के द्वार पर, ये लोग कह रहा है कि हम किसी के बाद कुछ सुनवाई नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर ले, हम तुमको नहीं रखेंगे। पति क्या कहते हैं? पति भी कहता है कि नहीं रखेंगे, तुमको जो करना है जितना पावर लगाना है लगा ले। मायके वाले हमारे गरीब है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कोई हमको भाई बहन भेटा गया तो यहाँ पे लेके आया कि जनता दरबार में पटना चलो, यहाँ से आपको सुरक्षा मिलेगा, यहाँ से आपको सुनवाई होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। शादी कब हुआ था आप लोग? हम लोग का शादी 2007 का है। आपके पति कहाँ का रहने वाले? पति सिवान का रहने वाले। पहले सब कुछ ठीक? हाँ, पहले सब कुछ ठीक था। 3 साल पहले उन्होंने दूसरी शादी की? हाँ नहीं, अभी 6 महीना हुआ शादी किए हुए, मगर 3 साल से ये घर में ड्रामा रच के रखे थे कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। हम बोले थे कि हमको पहले कहीं दिखा दो, हमको डॉक्टर जवाब देगा तो तुमको शादी हम करवा देंगे। हाँ, मगर ये हमको झूठ बोल के और झूठ मूठ के फंसा दिए और हमारे एनमाई के लिए के छोड़ दिए। कह रहे हैं कि तुम रहो, तुमको हम सब बुलाएंगे, 10 दिन के बाद बुला लेंगे। ऐसे 10 दिन करते करते हम 2-3 बार घर पे गए, मार बिलाव करके ऐसे कर दिया लो। हम अभी मायके में रह रहे हैं। कितना दिन से रह रही हैं अपने मायके? मायके में हमको 2 साल हो गया। 2 साल से रह? हाँ। देख रेख कौन करता है? देख रेख हमारा भाई करता है। भाई एगो है, हम लोग 4 गो बहन है, एगो भाई है, हमारा मम्मी नहीं है, हमारे दीदी यहाँ रहती है। बहुत हम लोग का समस्या खराब है। पति एक भी पैसा मदद नहीं करता? नहीं, एक वो लोग कहता है कि पूरा टोटल कमा कर हम मायके में दे दिए हैं। और बाप हमारा अभी तबीयत खराब है, बहुत बूढ़े से है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार आई है, यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कह रहा है लोग की ऑनलाइन करने के लिए। आपने ऑनलाइन नहीं करवाया था? नहीं, अभी नहीं करवाए हैं। अब जहाँ सूचना मिलेगा वहाँ करवाएंगे। महिला फरियादी हैं, सिवान से आई हैं। उनका साफ कहना है कि 2007 में इनकी शादी हुई थी और कहीं ना कहीं 3 साल से इनका पति जो है इनको छोड़ दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हम गुहार लगाने आए हैं, लेकिन ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया हमने नहीं करवाई थी, जिसके बाद इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रति सोमवार जनता दरबार लगाते हैं और वहीं लगातार फरियादियों से मिलते हैं। देखिए, सिवान की ये फरियादी थी, महिला फरियादी थी, और इनका साफ कहना था कि इनके जो पति हैं वो दूसरे शादी कर लिए हैं और कहीं ना कहीं जो इनका खर्च है वो भी नहीं उठाते हैं और 2 साल से अपने मायके में आके रह रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास यह गुहार लगाने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हुई है और काफ़ी परेशान है। फिलहाल क्या कुछ कह रही थी महिला फरियादी आपने सुना, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।